जांजगीर चंपा में सरकारी शराब की दुकान से एक सेल्समैन 4 लाख रुपए लेकर फरार हो गया था। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सेल्समैन को गिरफ्तार कर लिया है। देखिए रिपोर्ट। जांजगीर चांपा जिले की राहौर में स्थित सरकारी शराब की दुकान से बीते 10 मई को सेल्समैन नीलकमल 4,16,000 रुपए लेकर फरार हो गया था। 2 दिन तक सुपरवाइजर किशन ने सेल्समैन का इंतजार किया, लेकिन वो नहीं लौटा, जिसके बाद सुपरवाइजर किशन की ओर से थाने में शिकायत दर्ज कराई गई थी। मेरा नाम किशन कुमार बंजारे है, मैं शासकीय देसी मदिरा दुकान राहौर का सुपरवाइजर हूँ। मेरे सेल्समैन नीलकमल खुटे 4,16,040 रुपये लेके फरार हो गया है, निकल गया है राहुल से। मैं उनसे फ़ोन में बात किया तो पैसा लेके आ रहा हूँ बोला, लेकिन अभी तक पैसा लेकर नहीं आया, तो मेरे को मजबूरन सिरान थाना में केस करना पड़ा उसके खिलाफ। पुलिस की ओर से मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू की गई। इस दौरान मुखबिर की सूचना पर आरोपी सेल्समैन नील कमल को उसके घर से गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी से 3,98,650 रुपए बरामद कर लिए हैं और साथ ही एक मोबाइल भी जब्त किया है। आरोपी का कहना है कि वो अपने निजी उपयोग के लिए पैसे लेकर आया था। इसकी जानकारी उसने मैसेज कर अपने अधिकारी को दी थी। मैं अपने पर्सनल यूज के लिए ले गया था, बता के ले गया था कि मैं लेके जा रहा हूँ, कुछ दिन बाद वापस लौटा दूंगा। उसके बाद मैं 4-5 दिन बाद वापस लौटा दिया पैसे। सर 4,16,000। प्रार्थी किशन बंजारे राहौर देसी भट्टी का सुपरवाइजर ने रिपोर्ट किया कि 6-7 तारीख का 2 दिन का बिक्री रकम 4,16,040 रुपया नीलकमल खुटे लेकर के फरार हो गया है। 9 तारीख को रिपोर्ट करने पर अपराध क्रमांक 173 धारा 409 भादवी कायम कर विवेचना में लिया गया था। नीलकमल का तलाश करते रहा, नीलकमल को पकड़ा गया। उससे अभी तक 3,98,650 रुपया बरामद किया गया है और 17,390 रुपया खर्च कर देना बोलता है। बहरहाल आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है और पुलिस की ओर से आरोपी के खिलाफ कार्यवाही की जा रही है। जांजगीर चांपा से अमर केशरवानी, टोटल न्यूज़।